Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि हमने जस्ट प्रीवियस नोटिफिकेशन में बात की थी, जब सेट का नोटिफिकेशन जस्ट रिलीज़ हुआ था, बट जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हमारे पास नहीं आया था। बट हमारे पास जो है डिटेल नोटिफिकेशन सामने है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और जो रिजर्वेशन सिस्टम है EWS OBC उनके लिए यहाँ पर क्या प्रोविजंस किए गए हैं, और इसी के साथ और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो दिन भर में मुझसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने पूछे हैं, तो उन सब का रिप्लाई मैं यहाँ पर करूँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ जो क्वेरी आपकी हो वो मैं ऑलरेडी वीडियो में क्लियर कर दूँ, आपको पूछनी ना पड़े। और फिर भी अगर कुछ पूछना पड़ता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। और इसके अलावा भी कुछ कोई आपकी क्विक क्वेरी रहती है तो यू मे आस्क ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। और इसी के साथ हम बात करें तो गाइस, जो भी चैनल पर नया है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर राजस्थान सेट के साथ एमपी सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान के अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो बहुत मोस्ट पॉपुलर PhD एंट्रेंस एग्जाम जिसका वेट सबको है, उसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। सारी अपडेट्स विद ऑथेंटिसिटी यहीं पर आपके पास अवेलेबल होती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। PDFs के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और क्विक अपडेट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं, देन आई विल सेव योर नंबर, ताकि सबसे क्विक अपडेट्स यानी कि व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो सबकी क्वेरी है गाइज, एक तो दो क्वेरीज बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की आ रही है कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का जो पेपर है वो नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो गाइज देखिए, फिक्सेशन जैसा तो कुछ नहीं है और किसी के पास इसकी कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, और इसी के साथ अगस्त तक इसका पेपर लगने की होप है। और इसके अलावा किसी के पास इससे ज़्यादा बेटर, मैं क्लियर बता दूँ तो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कितनी सीट्स पर आपके पास वैकेंसीज आएंगी उसकी बात मैं प्रीवियस वीडियोस में कर चुकी हूँ। कुछ कैंडिडेट्स रिपीट करते रहते हैं कुछ सिमिलर क्वेश्चंस, आप एक बार जाकर मेरी वीडियोस देखिए। मैंने पहले ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल करवाई है। इसी के साथ एक क्वेश्चन जो है वो है कॉमन वाला कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, इसका जो PhD एंट्रेंस है ये कब आएगा। तो गाइज इसका भी क्लियर कर दूँ, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में आने के चांसेस थे, बट सिंडिकेट की जो बैठक वगैरह हुई, वहाँ पर जो फैसले हुए, फिर उसमें जो चेंजेस हुआ, उसके बाद थोड़ा इसमें डिले हो रहा है, तो ये जनवरी लास्ट तक एनी हाउ आ जाना चाहिए, अदरवाइज February 1st तक इसकी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं आने के। बट हाँ, नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि मैम नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं, तो गाइज नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, थोड़ा सा लेट हो रहा है बट आएगा ज़रूर। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशंस जारी रखें, ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर देखें, अपनी क्वेरीज, अपना पैटर्न, अपनी स्ट्रैटेजी वो सब आप बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, 29 सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और इन सब्जेक्ट्स की हमने मॉर्निंग में बात कर ली थी। इसमें था हमारे पास केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कोड्स भी दे रखे हैं, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इसी के साथ हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, राजस्थानी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट्स। तो ये 29 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें क्या होगा, आपका सेट एग्जाम्स कंडक्ट होगा। हाँ, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ पर नहीं है, तो उनके कैंडिडेट्स क्या करें? तो गाइस बहुत सीधा सा है कि नेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, 17 जनवरी उनकी लास्ट डेट है, तो आप उसमें अप्लाई करें, क्योंकि सेट में तो ऑब्वियसली बात है आपका सब्जेक्ट है नहीं, तो आप अप्लाई किस में करेंगे? आप लोग नेट का एग्ज़ाम दें, और नेट के एग्ज़ाम की मैंने वीडियो डाल रखी है कि कब लास्ट डेट है, कब फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बता रखा है कि द कैंडिडेट विद मास्टर्स डिग्री इन ज्योग्राफी विद स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज़, तो वो किस में अप्लाई कर सकते हैं? वो जो आपका सब्जेक्ट कोड है 103022 पॉपुलेशन स्टडीज़, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात इन्होंने क्योंकि क्लियर दी है, तो किसी भी प्रकार का इन फ्यूचर कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब बात करते हैं गाइस कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि CSIR का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, बट अब जब सेट देंगे गाइस तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। वो फोकस यही है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर आपके लगेंगे, ठीक है? अब पेपर वन की हम बात करें तो कॉमन पेपर होता है,
ठीक है। और पेपर टू आपका सब्जेक्टिव होता है। और इसी के साथ हम एक बार कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। कॉमन जो पेपर है सबके लिए सिमिलर है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी। और एक बात मैं बता दूँ, जो प्रीवियस सेट का पेपर था कॉमन पेपर, वो चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रही हूँ मैं, तो आप वहाँ जाएँ और जो प्रीवियस पेपर है उसको देखें, ताकि आप ये अनुमान लगा सकें कि पेपर किस पैटर्न का आएगा, क्योंकि केवल सिलेबस चेंज हुआ है, बाकी लोग पैटर्न कम्प्लीटली वही रख रहे हैं। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो आपका जनरल कैटेगरी है और अनरिजर्व और साथ ही साथ जनरल EWS, इनके पास जो PG है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें 55% मार्क्स इन्होंने रखे हैं। और इसी के साथ जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटीज थर्ड जेंडर, इनके लिए क्या है 50% मार्क्स इन्होंने रखा है। इससे कम मार्क्स अगर आपके हैं देन यू आर इन एलिजिबल फॉर दी सेट एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा गाइज, आप फिर सेट एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे आपके 49.9999 ही क्यों ना हो, 50% यानी 50% ही होने चाहिए। तो इसी बात को लेकर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज है कि मैम 45 से भी कम है XYZ, तो गाइज 50% से कम पर आपका सेट एग्ज़ाम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो लोग अपना PG परस्यूइंग है, ठीक है, यानी कि जिनका MA, MCOM, MSc, MBA, XYZ, जो भी आप PG में डिग्री ले रहे हैं फिर इक्विवेलेंट डिग्री ले रहे हैं, वो अगर रनिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बस इसमें ये है आपके कि कैंडिडेट मस्ट कम्प्लीट दियर मास्टर्स डिग्री, कि एक तो जो कैटेगरी वाइज है उसमें तो 50% जनरल है, तो 55% के साथ आप पास होने चाहिए। और इसी के साथ जो आपका सेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, क्लियर, उससे 2 साल के अंदर अंदर आपकी PG क्या होनी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ वो सेट का अगर आप पास भी कर लेते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट्स इस साल क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर दे रहे हैं, तो वो लोग आराम से अप्लाई करें, क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर इन जनवरी और मार्च में एग्ज़ाम लगेगा, तो हम मान सकते हैं अप्रैल मई तक तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर भी हमारा जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो आ जाएगा, तो 1 साल में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में PG कर रहे हैं, या फिर वो कैंडिडेट्स जो क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं बट उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अगर उनका अभी PG रनिंग में है तो बहुत अच्छा चांस है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो खासकर इससे बेटर चांस नहीं मिलेगा, आप आराम से अपने सब्जेक्ट के लिए क्या करें, अप्लाई करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका PG कंप्लीट हो जाएगा विद गुड मार्क्स, तो आप सेट का जो सर्टिफिकेट अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेट एज आर अवेलेबल टू SC ST PWD कैटेगरीज। यानी कि जो थर्ड जेंडर कैटेगरी है वो क्या कर सकती है, जो फीस SC ST PWD कैटेगरी की है वही फीस पे कर सकती है। नेक्स्ट है आपके पास, द सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर दिस कैटेगरी वुड बी द लोएस्ट अमंग दोज फॉर SC ST PWD OBC। क्लियर, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपियर इन सब्जेक्ट ऑफ दियर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जिस सब्जेक्ट में आपने अपना PG किया है गाइज, उसी में सेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरिएगा। जस्ट लाइक केमिस्ट्री, अगर साइंस की हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जो भी, अगर साइंस में कुछ इसमें भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, तो आप अपना जो एग्ज़ाम है उसी से कैटेगरी से दीजिएगा। जस्ट लाइक एक बार हम देख लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जो लोग नेट दे रखे हैं, पास आउट हैं, GRF वगैरह है, उनके लिए तो ये कोई डील है ही नहीं बहुत बड़ी वाली, और उनको सब क्लियर भी है। बट जो कैंडिडेट्स बिल्कुल फ्रेशर हैं और सेट एग्ज़ाम भी पहली बार देंगे, उनके लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो मैं क्लियर कर दूँ, जिस सब्जेक्ट में आप अपना MCOM, MA, MSc कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, अपना सेट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम मान लें यहाँ पर है आपका आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में देखें तो हम एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी, इसके अलावा म्यूज़िक, लॉ, ये सब तो क्या हो गए आपके क्लियर सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स वाले कौन कौन अप्लाई करेंगे, क्योंकि राजस्थान में स्पेशलाइजेशन चलता है, तो गाइस ध्यान रखिए MCOM इन ABST वाले, MCOM इन बिजनेस एड और MCOM इन EFM, वो सब अप्लाई करेंगे कॉमर्स में। MBA वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट में। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो कॉमन कॉमर्स में MCOM वाले हैं, ठीक है, जैसे कोटा ओपन वाले कैंडिडेट्स हम मान सकते हैं, इग्नू वाले मान सकते हैं, तो फिर वो भी किस में अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई तो कॉमर्स में ही करा जाएगा। फिर इन फ्यूचर जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी देंगे
तो अब वहाँ पर वो चीज़ अलग हो जाती है कि वो किस सब्जेक्ट में देंगे, बट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो कॉमर्स में मानी जाएगी। और इसी के साथ ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो केमिकल साइंस आपके पास है, अर्थ साइंस है और इन्वायरमेंटल साइंस है, ज्योग्राफी है, नेक्स्ट है आपके पास लाइफ साइंस और मैथ्स। फिज़िकल एजुकेशन में कुछ कैंडिडेट्स की मेरे पास क्वेरी आई थी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं फिज़िकल साइंस। और नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अलावा साइंस का तो कोई और सब्जेक्ट बचता नहीं है, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन करें। अब इसके हम बात करते हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। तो सेट एग्ज़ाम की गाइस वैलिडिटी ध्यान रखिए लाइफ टाइम रहती है, कोई ऐसा नहीं है लाइक कि 1 ईयर 2 ईयर, अगर आप सेट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और ये एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम रहती है। एज लिमिट लगती है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देने में, प्राइवेट सेक्टर में आप कभी भी एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन ये भी था कि मैम सेट एग्ज़ाम होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जो लोग नए हैं बिल्कुल मैं उनको बता दूँ, सेट एग्ज़ाम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं वो बनने के लिए। जिस प्रकार स्कूल टीचर बनने के लिए बीएड ज़रूरी होता है, बट बीएड तो एक रेगुलर कोर्स है जिसमें 2 साल आपको कॉलेज जाना पड़ता है, जबकि नेट ऐसा कुछ नहीं है। नेट केवल आप नॉर्मल हमारा एक एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और अपना पैशन के तौर पर या फिर अपने सर्वाइवल के तौर पर आप वो चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ टेस्ट की, और इसके अलावा भी कुछ जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि मैम पैटर्न क्या है। तो मैंने गाइस पहले भी वीडियो बनाई है, बट होता क्या है कि हम लोग पूरे वीडियो तो कभी देखते ही नहीं है, जहाँ हमारे पास पॉइंट का मुद्दा हुआ वहाँ से देख के निकल लेते हैं, फिर कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो को पूरा देखा करो, क्या पता कौन सा डाउट किस मोमेंट पर क्लियर हो जाए। तो मैंने पहले भी बताया था कि क्या पैटर्न है, पैटर्न की हम एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं फिर मैं और क्लियर कर दूंगी। तो 2 पेपर होंगे, ठीक है, देयर विल बी नो ब्रेक, और दूसरी बात किसी भी पेपर में ब्रेक नहीं होगा, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा, लगातार होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 कॉमन होगा, जिसमें क्या है आपके लिए क्या क्या शामिल होगा, टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब। और इसके साथ जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। 3 घंटे का पेपर होगा यानी कि 180 मिनट। अब हम बात कर लेते हैं, एक तो सेट एग्ज़ाम का जो प्रीवियस पेपर है चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाएं और देखें। नेक्स्ट है पेपर 1 के लिए, खासकर साइंस वाले स्टूडेंट जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि CSIR में तो पेपर 1 लागू होता नहीं है, कैसे प्रिपरेशन करें। और इसी के साथ जो जनरल कैंडिडेट्स हैं आर्ट्स के भी कॉमर्स के भी, वो पेपर 1 के लिए सेट एग्ज़ाम हो चाहे नेट एग्ज़ाम, और या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो PhD एंट्रेंस होने वाला है, कॉमन साइज सिलेबस है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, बस 2 यूनिट डिफरेंट करती हैं, बाकी जो आपका सिलेबस है वो एकदम सेम है, तो उसमें कोई चेंजेस है नहीं। इसकी हम अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट प्रीवियस वीडियो में जाना है, वहाँ पर मैंने आपको सिलेबस बताया है और ये भी बताया कि कौन सी बेस्ट बुक है और कैसे कैसे आप उसको पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि मोटे तौर पर देखें तो हमारे पास मात्र कितने बच्चे हैं, ओनली 2 महीने बच्चे हैं और उसमें आपको सेट एग्ज़ाम निकालना है। अब कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि मैम इसमें सीट्स कितनी होती हैं। गाइस इसमें सीट्स जैसा कुछ नहीं होता, एक पर्टिकुलर परसेंटेज क्राइटेरिया होता है और जितने लोग टॉप उस परसेंटेज क्राइटेरिया में आते हैं, जस्ट लाइक नेट एग्ज़ाम, कि नेट एग्ज़ाम 6% लोगों को क्या करता है, पास करता है। कहने का मतलब है अगर 1 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो टॉप के 6000 को क्या करेगा, पास कर देगा। तो बेस्ट पर्टिकुलर यहाँ पर कोई सीट्स होती नहीं है। सेम फॉर क्या है, सेट एग्जामिनेशन, यहाँ पर ये लोग कितने परसेंट लोगों को क्लियर करेंगे ये तो अभी इन्होंने नहीं बताया है, बट जैसे बताएंगे तो एज यूजुअल आपको पता ही है कि आपकी सिमरन मैम आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी डेटा है, वो पूरा अच्छे से प्रॉपर आपके लिए लेकर आएंगी। तो अभी तो आप अपनी प्रिपरेशन करें, ये दिमाग ना लगाएं कि कितनी सीट्स होगी क्या होगा, अभी तो हमारा फोकस होना चाहिए कि 2 महीने पूरा कोर्स कैसे पूरा करें और पेपर 1 कैसे पूरा करें। तो पेपर 1 के लिए मैंने आपको बता दिया, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, कौन सी बेस्ट बुक है। और जो लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइस लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जितने अच्छा ऑडियंस नंबर होता है वीडियो बनाने का भी उतना मज़ा आता है और उतना अच्छा कंटेंट देने का भी मन करता है। क्योंकि हमें जब लग रहा है कि हाँ ठीक है कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है और वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो फिर ये भी एक मोटिवेशन का अच्छा खासा सोर्स है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें और फ्रेंड्स एंड कजन्स वगैरह को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न रहता है तो एज यूजल जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा, और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी के साथ
कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि मैम एग्ज़ाम कहाँ लगेगा, तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है ना वो संभाग स्तर पर लगेगा। अब कुछ लोगों को संभाग स्तर पता नहीं है, तो राजस्थान 7 संभागों में बटा हुआ है, ठीक है, जयपुर, अजमेर, ऐसे करके भरतपुर और आपके 7 संभाग हैं, उनमें जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आता है तो वो उस संभाग पर ले लेते हैं, तो एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली आई एम सेइंग वहाँ पे लगेगा। और कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मे बी हर डिस्ट्रिक्ट में भी लगा दें, बट केवल जहाँ पर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर लगेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप इसके लिए थोड़ा सा माइंड रख सकते हैं कि हाँ आपके पास चूज़ करने के लिए ऑप्शन तो यही है कि बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपका जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ आपको मिल जाना चाहिए। और इसी के साथ पेपर ऑफलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास सिलेबस ऑफ टेस्ट। पेपर वन का मैंने आपको बता दिया, जो भी सिलेबस है आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। इसी के साथ जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है मैंने व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम दोनों पर लिंक दे दिया है, आप GGTU की साइट पर जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको कहाँ पहुँचा देगा, UGC की नेट की साइट पर ही पहुँचा देगा। गाइस कुछ खास फ़र्क है नहीं, सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, ठीक है। आपके पास कोई मतलब अगर हम देखें इफ़ यू आर 50 और 55 ईयर्स ओल्ड तो भी आप क्या कर सकते हैं, सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस थोड़ी सी हाई रखी गई है, जनरल कैंडिडेट्स, OBC, क्रीमी लेयर, और अगर हम बात करें आउट ऑफ स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं नॉन रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान तो 1500 रुपये फीस है। EWS कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर ऑफ OBC 1200 रुपये फीस है। SC, ST, PWD और थर्ड जेंडर जो है 750 रुपीज़ इनकी फ़ीस है। फॉर्म भरे कब से जाएंगे, 12 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ 11 फरवरी का वेट ना करें, भरने वाला जो होगा वो समय रहते भर देगा ताकि किसी प्रकार के कन्फ्यूजन्स ना हो। थोड़ा सब्र रख के फॉर्म भरिएगा ताकि गलती ना हो, वरना फिर आप लोग परेशान होते कि मैम ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, अब कैसे सही करें। फिर जब वो लोग साइट खोलेंगे फिर वो आपसे और चार्जेस लेंगे, तो पहले चार्जेस बहुत अच्छे वाले हैं और उसमें फिर आप छोटी छोटी गलती करेंगे उनके भी 300-500 पे करेंगे, तो उससे अच्छा है ना कि हम थोड़ी देर हमारे माइंड को और चीज़ों से डाइवर्ट करके फॉर्म फोकस कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल नोटिफिकेशन, वैसे तो हमने बात कर ली, इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा खासा अगर बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन होता है तो हम एक नॉर्मल जनरल वीडियो जैसा मैं बनाती हूँ कि सेट एग्ज़ाम के बारे में अन्य जानकारियाँ, तो उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे और सबके आंसर्स क्लियर करेंगे। इसके अलावा है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस द सिलेबस क्वालिफिकेशन एंड ऑल द इंस्ट्रक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब फॉर द नेट इन कंप्लायंस विद द एलिजिबिलिटी इन द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रोसेस द सिलेबस विल द रिमेन सेम, ठीक है। जैसा हमने इन्होंने बोल दिया कि जो नेट का सिलेबस है वही किसका रहेगा, सेट का रहेगा। और SSO के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे तो GGTU की साइट से जाएं वो भी आपको इसी पे कनेक्ट कर देगी, और चाहो तो सीधे सीधे SSO से जाके फॉर्म भर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ बचा होगा जो हमें समझ में नहीं आया हो। पैटर्न की एक बार और बात कर लेते हैं गाइस, दो पेपर होंगे, पहले पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। जो 100 क्वेश्चन होंगे वो जिस सब्जेक्ट में आपने अपना PG किया है उसी के होंगे, जो 50 क्वेश्चन होंगे वो कॉमन क्वेश्चन होंगे जो कि 10 यूनिट्स में से आएंगे। हर 10 यूनिट रहेंगी, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5×10 करते हैं 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, और ध्यान रखिएगा पेपर 2 से ज़्यादा जीत पेपर 1 दिलाता है। अपना फोकस सब्जेक्ट तो क्योंकि सबका अच्छा होता है, तो अगर हमें आगे निकलना है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, पेपर 1 पे फोकस कीजिएगा। बहुत गोल्डन चांस में, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में आप जी रहे हैं। बैक टू बैक PhD के एंट्रेंसेस आ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, और जो टीचिंग स्कूल लेवल एग्जामिनेशन हैं वो भी आपके रनिंग हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें तो नेट का भी एग्ज़ाम आपके लिए सामने खड़ा है। सिलेबस लगभग 80-90% सबका सेम है, पढ़ना एक ही, एग्ज़ाम 4 निकालेंगे तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपको भी क्या होगा, अत्यंत खुशी होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस खुशी के भागीदार बने और बहुत अच्छे से अपने फ्यूचर को आप ब्राइट करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और करवाएं। तो बने रहिएगा वीडियो में चैनल के साथ ताकि नए अपडेट्स मिलते रहें। जो जो भी सेट में अपडेट्स आएंगे सारे आपको चैनल पर जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मिल जाएंगे। ध्यान रखें अपना, चैनल को शेयर करते रहें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।